अगर घर में पार्टी है या आपको स्नैक्स टाइम पे कुछ झटपट बनाना है तो ये रेसिपी परफेक्ट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त अंजू और स्वागत है आपका मेरे चैनल अंजू छोटी सी आशा में। तो चलिए झटपट शुरू कर लेते हैं पनीर की ये टेस्टी रेसिपी। सबसे पहले हम पनीर ले लेंगे और पनीर के पीसेस कर लेंगे। जो भी शेप आपको पसंद हो आप पनीर को उस शेप में कट कर लीजिए। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल या सर्कल शेप में भी कट कर सकते हैं। अब पीसेस कट करने के बाद इसमें हम चटपटे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। मैंने इसमें सेंधा नमक का यूज़ करा है, आप चाहें तो इसमें नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट मैंने इसमें डाल दिया पिसी हुई काली मिर्च। आप चाहें तो इसे और स्पाइसी बनाने के लिए अपने तरीके से मसाले ऐड कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाले जो हमने पनीर में डाले थे उसे अच्छे से पनीर के साथ मिक्स कर लेंगे। अब पनीर के साथ मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करा दीजिए और अब हम तैयारी करेंगे नेक्स्ट स्टेप की। अब एक दूसरा बाउल ले लें जिसमें आप 3 चम्मच गेहूं का आटा डालें। आप चाहें तो इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये एक हेल्दी डिश बनानी थी तो इसलिए मैंने गेहूं का आटा यूज़ करा है। अब हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें कि बैटर में गुठलियाँ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, इसलिए आप पानी धीरे धीरे डालें। अब बैटर तैयार करने के बाद हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि नमक हम पनीर में डाल चुके हैं तो यहाँ हमको नमक थोड़ा कम डालना है। तो इसमें भी हमने वही डाला, फिर से हल्दी, नमक, धनिया और काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब मसालों को बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब पनीर के पीसेस को लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो एक एक पीस उठा के हमें आटे के बैटर में इसे डालकर डिप करना है और इसे ब्रेड क्रम्स में लपेट लेना है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप इसमें सूजी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ब्रेड क्रम्स में लपेट कर इनको साइड में रखते चले जाना है और इसके बाद हम करेंगे इन्हें डीप फ्राई। अब आप इनको तेल में एक एक करके डालते जाइए, जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और ये कुरकुरी ना हो जाए तब तक आप इनको डीप फ्राई करें। तेल में डालते हुए आपको ध्यान रखना है कि हल्के हाथों से आप इनको तेल में छोड़ें। तो अब आप देख सकते हैं कि इनका कितना अच्छा कलर होकर आया है। एक बैच में आप कम से कम 10 से 12 पीस ईजिली डीप फ्राई कर सकते हैं। ये स्नैक्स आप घर की किसी भी छोटी बड़ी पार्टी में आसानी से और झटपट बना सकते हैं। तो बस इस तरह से आपको आसानी से इनको बनाकर तैयार कर लेना है। पनीर स्नैक्स को आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो बस इस तरह से आपको आसानी से ये पनीर की रेसिपी तैयार कर लेनी है। आपको मेरी ये पनीर की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।